गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, ये क्लास फर्स्ट की सब्जेक्ट कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास है। आज हम अपना चैप्टर टू स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नेम है हमारा पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इस देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में, यानी मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस। देन एडिशनल पार्ट्स, एडिशनल पार्ट्स मतलब इनके अलावा जो और पार्ट है उन्हें हम एडिशनल पार्ट कहते हैं। स्पीकर्स, माइक्रोफोन, प्रिंटर, ठीक है। नाउ आई अंडरस्टैंड देयर आर सो मैनी मशीन्स अराउंड अस। अब मुझे समझ में आया कि हमारे आसपास बहुत सी मशीनें हैं या बहुत सी मशीनें काम करती हैं, ठीक है। आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट द स्मार्ट मशीन। मैं चाहती हूँ स्मार्ट मशीन के बारे में और भी ज़्यादा कुछ जानना। स्मार्ट मशीन क्या है? हमारा कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बारे में और भी ज़्यादा कुछ जानना, ठीक है। वी आर लर्निंग अबाउट आवर बॉडी पार्ट्स इन द साइंस क्लास। हम अपनी साइंस क्लास में बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेट मी रिलेट दीज पार्ट्स विद द पार्ट्स ऑफ द स्मार्ट ऑफ दिस स्मार्ट मशीन। अब हम स्मार्ट मशीन के जो पार्ट होते हैं, यानी कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं, उससे रिलेटेड जो पार्ट होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दीज आर डिफरेंट पार्ट इन आवर बॉडी। ये देखिए बॉडी के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ईच पार्ट्स हैज़ इट्स ओन फंक्शन, और सब पार्ट्स का अपना अपना कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी सी विथ आवर आइज, हम अपनी आँखों के द्वारा देखते हैं। हेयर विथ आवर ईयर, कानों से सुनते हैं। स्मेल विथ आवर नोज, नाक से सूंघते हैं। किसी भी तरह की स्मेल हमें लेनी है, ठीक है, स्मेल विथ आवर नोज़, किसी भी तरह की हमें स्मेल लेनी है मतलब महक लेनी है तो हम किसके थ्रू लेते हैं, नोज़ के थ्रू। ईट विथ आवर माउथ, खाते किससे, अपने मुंह से। थिंक विथ आवर ब्रेन एंड सो ऑन, और सोचते किसते हैं, सोचते हैं अपने दिमाग से और उस पर काम करते हैं, ठीक है। Join the dots and label the different parts of your body, ठीक है। ये जो dots दिए हुए हैं इनको आपको, इन्हें आपको joint करना है, और ये जो different parts की ओर जो है arrow बनाकर block बनाया गया है इसे आपको fill करना है, ठीक है। यानी ये क्या है, ये क्या है, ये देखिए सब में जो है arrow बना के आपको जो है ब्लॉक दिया गया है। ये आपका बेटा होमवर्क है, इसे आप होमवर्क में करोगे लेकिन बुक में ही करोगे, कॉपी में नहीं करोगे, बुक में ही फिल करोगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह से अ कंप्यूटर इज़ आल्सो मेड अप द फॉलोइंग पार्ट्स, इसी तरह से कंप्यूटर भी हमारा इन मेन पार्टों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है। मॉनिटर हमारा टीवी स्क्रीन के जैसे होता है। कीबोर्ड जिससे हम लेटर या नंबर्स कुछ भी टाइप करते हैं। CPU ये हमारा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेन पार्ट, ठीक है। देन हमारा क्या आता है, माउस। आगे देख लेते हैं। ईच पार्ट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, सभी पार्ट्स के अपने अपने कुछ ना कुछ विशिष्ट फंक्शन, खास फंक्शन होते हैं, ठीक है। दीज पार्ट्स टुगेदर हेल्प अ कंप्यूटर सिस्टम टू वर्क, ये सभी पार्ट्स मिलके हमारे कंप्यूटर सिस्टम को वर्क करने में मदद करते हैं, ठीक है। पहला हमारा मॉनिटर, मॉनिटर मैंने आपको बताया था जस्ट लाइक अवर टीवी स्क्रीन, जैसे हमारी टीवी स्क्रीन होती है सेम एज वैसा ही होता है। ये रहा हमारा टेलीविज़न, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न, मॉनिटर जस्ट लाइक योर टेलीविज़न, ये लुक्स लाइक अ टेलीविज़न यानी टीवी के जैसे दिखता है। यू कैन सी पिक्चर्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड वर्ड्स ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन, इसमें आप क्या कर सकते हो, सी द पिक्चर्स, पिक्चर्स मतलब पिक्चर्स यानी चित्रों को देख सकते हो, अल्फ़ाबेट देख सकते हो, नंबर्स देख सकते हो, ये सब किस में आप देख सकते हो, अपने मॉनिटर स्क्रीन में, ठीक है। यू कैन ऑल्सो वॉच कार्टून एंड मूवीज़, आप इसमें कार्टून भी देख सकते हैं, मूवीज़ भी देख सकते हैं, ठीक है। मॉनिटर्स आर अवेलेबल इन मैनी शेप्स एंड साइज एंड कलर, मॉनिटर जो है
जो हमारे मार्केट में मॉनिटर अवेलेबल हैं मिलते हैं जो भी, वो अलग अलग शेप्स के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं। देन हमारा क्या आता है बेटा, CPU। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं, ठीक है। इट कैन अंडरस्टैंड योर इंस्ट्रक्शंस एंड सॉल्व देम वेरी फास्ट। ये आपके इंस्ट्रक्शंस यानी जो भी आप इसे दिशा निर्देश देते हो उसे समझता है और उस पर काम करता है, वो भी बहुत तेज़ी से काम करता है, ठीक है। दिस इज़ वे इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। इसी वजह से हम इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी बहुत ही ज़रूरी हिस्सा हमारे कंप्यूटर का इसे कहा जाता है, ठीक है। इट हैज़ अ बटन विच इज़ यूज टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। इसमें एक बटन होती है जो आप मेन स्विच दोनों ऑन करते हैं, उसके बाद CPU में एक बटन होती है, जब हम उसे ऑन कर देंगे तब हमारा कंप्यूटर सिस्टम चलना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये भी दो आपके क्वेश्चन होमवर्क है, क्विक क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, CPU स्टैंड फॉर, CPU का फुल फॉर्म लिखना है, मॉनिटर लुक्स लाइक है, यहाँ पे मॉनिटर किसके जैसा दिखता है वो आपको फिल करना है, ये आपका होमवर्क है। आगे देख लेते हैं, फिर क्या आता है, कीबोर्ड। अ कीबोर्ड हैज़ स्मॉल बटन्स ऑन इट। अ कीबोर्ड हैज़ स्मॉल बटन्स ऑन इट। कीबोर्ड में बहुत सारी छोटी छोटी बटने होती हैं, दीज बटन्स आर कॉल्ड कीज। इन्हीं बटनों को हम कीज़ कहते हैं। पहला है आपका नंबर की, अल्फ़ाबेट की एंड अदर स्पेशल